जैसे ही शादियों का सीजन आता है हम लोग सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार हम शादी में ये करेंगे वो करेंगे, इन फिर एकदम से दिमाग में आता है यार हम पहनेंगे क्या, हम तैयार कैसे होंगे। ऐसे अगर कई सारे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में भी होते हैं तो आज का मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि वो भी, क्योंकि हम सभी इस एक कॉमन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि अरे यार कैसे तैयार हुएँ, क्या हेयर स्टाइल होनी चाहिए, क्या कपड़े पहनने चाहिए। तो अगर आप इन सब क्वेश्चंस में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं तो प्लीज़ उन सभी लोगों को शेयर ज़रूर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट अभी में, और मैं हूँ अभिषेक शेखावत और मैं मेरे वीडियो चैनल पर लेके आता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज़ जिसमें हम फैशन, फिटनेस, लाइफस्टाइल और हमारी स्पेनिश क्लास की बात करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को शादियों में कैसे तैयार हुएं, शादियों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनकी भी टिप्स बताता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कम वक्त में पाएं कैसे परफेक्ट वेडिंग लुक। जैसे ही हमारे माइंड में वेडिंग सीजन की बातें आती है तो सिंपली एक जो चीज़ आती है कि फुल ऑन मस्ती करेंगे, हम खूब सारा खाना खाएंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे और किसी ना किसी को ज़रूर इम्प्रेस करेंगे, और हम कभी इस चीज़ में कोई टेंशन नहीं लेते हैं, मतलब फुल ऑन हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ मस्ती ही मस्ती करेंगे। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिनके घर में शादी होती है वो कई महीनों पहले ही इसकी प्रिपरेशन करने लग जाते हैं कि हमें कौन कौन से कपड़े पहनने हैं, किस दिन क्या पहनना है, क्या करना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, बट स्टिल कई बार हम लोग लास्ट मिनट का वेट करते हैं। तो अगर आप भी लास्ट मिनट का वेट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के मेरे वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, सिंपली आपको उन टिप्स को फॉलो करना है अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। नंबर वन, कपड़ों में दिखाएं मिक्स एंड मैच की क्रिएटिविटी। अगर आपको तैयार होने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या पहनना है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसे समय में मिक्स एंड मैच की क्रिएटिविटी बहुत काम आती है। खासतौर पर अगर आप इंडियन वियर कर रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, शादी में मेहंदी व संगीत एक ऐसे फंक्शन है जिसमें जनरली हम कुर्ता पजामा ही पहनते हैं, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा यार इस कुर्ते के साथ ये पायजामा कैसे मैच करूँगा, आप तो बस पहन लीजिए और फिर देखिए आपकी क्रिएटिविटी की हर कोई दाद देगा। अगर आपके पास कोई भी मोनोक्रोम कलर का कुर्ता है जैसे सफ़ेद, पीला या काला, उसके साथ आप सिंपली चूड़ीदार पैजामा पहन लीजिए। अगर आपके पास इस तरह के कुर्ते या पैजामा हैं तो आपकी आधी चिंता दूर हो गई। और यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कोई वेस्ट कोट है तो आप वेस्ट कोट भी पहन सकते हैं। नंबर टू, ब्लैक सूट्स हैं एवरग्रीन। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग हर किसी बंदे के पास ब्लैक सूट्स का एक पेयर तो जरूर होगा, क्योंकि ब्लैक कलर एक ऐसा एवरग्रीन कलर है जो आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं, खासतौर पर कॉकटेल पार्टी हो या रिसेप्शन हो, बिंदास पहन के जाइए, आपकी सब लोग तारीफ ही करेंगे। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक उसमें ब्रॉच भी लगा लीजिए, और अगर आपको एक कहीं पे रेड रोज मिल जाए उसको भी लगा लीजिए, फिर देखिए कैसा गजब का लगता है आपका ब्लैक सूट। संगीत के दिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि थ्री पीस पहनकर ना जाएं, सिर्फ ब्लेजर को ही पहनें, और अगर आप चाहें तो वी नेक की टी शर्ट भी पहन सकते हैं जो आपके स्टाइल को चार चांद लगा देगी, और अगर ठंड का मौका हो तो हाई नेक वुलन टी शर्ट के साथ भी ब्लेजर को पहना जा सकता है। नंबर थ्री, सिंपल कुर्ते के साथ दिखाइए अपना स्टाइलिश लुक। तैयारी का समय नहीं मिला, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपका सिंपल कुर्ता भी आपको स्टाइलिश बना सकता है। देखिए, क्योंकि हम इंडियंस के पास हमारे वार्डरोब में हमेशा दो तीन तरह के कुर्ते जरूर मिल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पायजामा नहीं होता है, चूड़ीदार पायजामा कई लोगों के पास नहीं होता है, तो अगर नहीं है कोई टेंशन नहीं है, आप तो सिंपल कुर्ता पहनिए और नीचे अगर आप जींस भी पहन लेंगे तो भी आपके लुक को वो काफ़ी स्टाइलिश बना देगी। खासतौर पर मेहंदी वाले टाइम या संगीत वाले टाइम अगर आप इस लुक को पहन के जाते हैं तो डेफिनेटली आप काफ़ी स्टाइलिश लगेंगे। नंबर फोर, इंस्टेंट केयर फॉर स्किन। वैसे तो शादी से पहले कई लोग कई डिफरेंट तरह के स्किन केयर ट्रीटमेंट ले लेते हैं जैसे फेशियल, ब्लीच, स्किन पॉलिशिंग, लेकिन जब आपके पास समय नहीं है और झटपट तैयार होना है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब वक्त ना हो और चेहरे पे ग्लो लेके आना हो तो सिंपली आपको सिंपल क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी चाहिए।
और उसके ऊपर बहुत ही लाइट मेकअप जरूर कर लें, जैसे कि बीबी या सीसी क्रीम है। ये क्रीम्स झटपट पार्टी लुक देने के लिए परफेक्ट हैं। आपके स्किन के साथ साथ आपको अपने हेयर स्टाइल पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके बाल इधर उधर गिरे हुए नहीं होने चाहिए, अच्छी तरीके से स्टाइलिश होने चाहिए। आप तैयार होने से पहले नहा जरूर लें ताकि लोग आपको देख के अजीब सी शक्ल ना बनाएं। तो आपकी स्किन और आपके हेयर स्टाइल दोनों परफेक्ट होंगी। आपके परफेक्ट लुक के साथ आप बहुत ही शानदार डैशिंग लगेंगे। नंबर 5, सनग्लासेस आर परफेक्ट फॉर स्वैग। टाइम बिल्कुल नहीं है, आपने वैसे ही कोई कुर्ता पहन रखा है, नीचे जींस पहन रखी है, आप एक सनग्लासेस जरूर लगा के जाएं, जिससे आपका स्वैग अलग ही दिखेगा। अगर मैं बात करूं रेवेन के एविएटर की, तो आप इसे किसी भी लुक के साथ पहन सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल पहन रहे हैं तो भी उसे वियर कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल कुर्ता पजामा पहन रखा है, आप उस पर भी वियर कर सकते हैं। तो इस तरह सनग्लास को आप जरूर यूज़ करें। तो ये था मेरा आज का वीडियो कि आप क्विकली कैसे तैयार हो सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @absolute.abhi पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अडियोस।